पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सैनिकांसह दिवाळीचं सेलिब्रेशन केलं. गेल्या 4 वर्षांपासून मोदी भारतीय जवानांसोबत दिवाळी साजरी करतात. यावेळी काश्मीरमधल्या गुरेज सेक्टरमधल्या सैनिकांबरोबर त्यांनी दिवाळी साजरी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत लष्कराचे प्रमुख जनरल बिपिन रावतही होते. सैनिक हेच आपलं कुटुंब असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. मागच्या वर्षी हिमाचलच्या किन्नोरमधल्या सैनिकांबरोबर त्यांनी दिवाळी साजरी केली होती. 2014 साली सियाचीनमध्ये तैनात असलेल्या सैनिकांबरोबर त्यांनी दिवाळी साजरी केली होती. तर 2015 साली अमृतसरच्या डोगला इथल्या वॉर मेमोरियलला पंतप्रधानांनी भेट देऊन दिवाळी साजरी केली होती. जिन परिवारों में घर बैठे थे, अचानक जब उनको उनके अकाउंट में पैसे चले गए, उसके आंख में आंसू थे जी. 40 साल के बाद कोई सरकार आई है जो खुद होकर के इतनी चिंता करती है. मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आपके परिवारजनों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं. मैं भी एक इंसान हूं, जैसे आपका मन करता है मेरा भी मन करता है, और मेरा भी मन करता है दिवाली परिवार के साथ बिताऊं. और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं, क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, आप ही मेरा परिवार है. जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है, मिलाना पड़ता है. मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है आपसे हाथ मिलाता हूं. एक नई चेतना आ जाती, नई ताकत आ जाती है, क्योंकि आपके साथ, क्योंकि आप लोगों ने एक प्रकार से जिंदगी को ऐसे जिया होता.